वंस अगेन टू होमोसोई फ्लेवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर 65। ये एज अ स्टार्टर डिश आप खा सकते हैं, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप पनीर लिया है जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 5 से 10 करी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप इसको कट करके इसमें डाल लीजिए। और अब हम सारे मसालों को पनीर के ऊपर अच्छी तरह से कोट करेंगे। मसाले जब पनीर पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं, तो उस टाइम पे हम इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून मैदा डाल लेंगे। और अब हम पनीर को अच्छी तरह से मैदा और कॉर्नफ्लावर में कोट करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और हमें पनीर को एक अच्छे से थिक बैटर में कोट करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे ताकि सारे पनीर अच्छी तरह से बैटर में कोट हो जाए। देखिए हमें इस तरह का बैटर चाहिए और हमारे सारे पनीर अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे मीडियम या फिर हाई हीट पर। पनीर को हम बीच बीच में पलटते रहेंगे और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प नहीं हो जाता। अब ये बाहर से अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें हम 2 ड्राई रेड चिलीज और 2 ग्रीन चिलीज डालेंगे। 8 से 10 हम करी पत्ता डालेंगे इसमें। इसको हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक यानी कि कटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट। अब हम इसमें 1/4 कप बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च और 1/4 कप प्याज डाल लेंगे और 2 मिनट के लिए हाई हीट पर पकाएंगे। अब हम लेंगे 1/2 कप दही, उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जियां थोड़ी पक चुकी है, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे और नमक एज पर टेस्ट यानी कि स्वाद अनुसार डालेंगे। रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी और ज़्यादा चिली भी डाल सकते हैं। और अब हमने इसमें दही और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो रेडी किया था वो डाल देना है। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 1/4 कप पानी डाल लेंगे और इसको हम 2 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा कलर डाला है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब हम इसमें फ्राइड पनीर डाल लेंगे और अब पनीर को हम ग्रेवी में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए ग्रेवी अच्छी तरह से पनीर को कोट हो चुकी है और ये थोड़ा ड्राई भी हो गया है। तो लीजिए हमारा पनीर 65 रेडी है। आप इसे एज अ स्टार्टर डिश खाइए, साइड डिश खाइए। ये बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी है और सबको पसंद आता है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग होमोसोई फ्लेवर्स। बाय बाय।